फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यशवंत प्लेइंग वर्ल्ड। सो आज हम देखेंगे चेस कैसे खेलते हैं और चेस के कौन से तरीके होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, वो देखेंगे। सो पहले हम ये चेस पे अपने सब कुछ प्यादे रखेंगे। सो इसे सिपाही कहते हैं, प्यादा। ये प्यादा है, ये वाइट का प्यादा है और वो ब्लैक का प्यादा है। ये है ना, ये ब्लैक का प्यादा है और ये वाइट का। और ये याद रखना कि ये बी, ये सी, डी, ए से एच तक, यही से आपको स्टार्ट करना है, यही पे आपके सिपाही वो रखने। ओके, सो यहाँ पे देखो, ये वाइट का प्यादा, ये ब्लैक का प्यादा। ओके सिपाही, ये देखो, ये हम रखते जाएंगे। चलो, हमने तो प्यादे सब कुछ रख लिए हैं। तो चेस खेलने के लिए दो प्लेयर लगते हैं। चलो, तो अब रखते हैं। ये देखो, सबसे लास्ट का होता है वो हाथी, सबसे हाथी। ये हाथी, इसे हाथी कहते हैं। कुछ गेम में कुछ अलग अलग तरीके के हाथी होते हैं, लेकिन ये हाथी होता है। ये देखो, ये हाथी, हाथी दो लास्ट में रहते हैं, दोनों भी हाथी। ओके, तो उसके बाद होता है ये घोड़ा। ये देखो, ये घोड़ा है, घोड़ा ऐसे यहाँ पे रखते हैं। तो चलो, हमने घोड़े रख लिए। अब घोड़े के बाद सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो राजा। वाइट का राजा ब्लैक में होता है और ब्लैक का राजा वाइट में होता है। और हर बार एक याद रखो कि ये रानी है, ये देखो, ये रानी है ना, ये हर बार वाइट में ही रहनी चाहिए। वाइट की रानी वाइट में और ब्लैक की रानी ब्लैक में। ओके, तो अब ये बाकी ऊंट, ये ऊंट, इसे मंत्री ऊंट दोनों भी कहते हैं। ये ऐसे ऐसे रखते हैं राजा रानी के बाजू में। चलो, तो हम गेम स्टार्ट कर रहे हैं। पहले आप घोड़ा भी चला सकते हैं और ये सिपाही भी चला सकते हैं। चलो, तो हम यहाँ से अपन घोड़ा ही चला सकते हैं, क्योंकि इनके लिए आगे जाने के लिए जगह चाहिए और यहाँ पे नहीं है। तो ये देखो, ये सिपाही प्यादा, ये दो स्टेप। और ये याद रखना कि ये सब कुछ में से सिर्फ वाइट ही पहले खेल सकते हैं। कौन पहले खेलेगा? सिर्फ वाइट, ब्लैक नहीं खेल सकता। ओके, तो पहले हमने सिपाही आगे चलाए, दो स्टेप सिपाही जा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेप भी जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दो स्टेप। ओके, मैंने दो स्टेप चलाई है। और अपोजिट वाला क्या खेलेगा? अपोजिट वाला भी प्यादा खेल सकता है, उसने चलाई। ये देखो, ये सिपाही, सिपाही सीधे से कभी भी मार नहीं सकता। अगर समझो सिपाही ये सामने है तो ये सामने से ब्लॉक हो जाता है, खेल नहीं सकता। तो ये पीछे रहने दो, तो ये बाजू में रहेगा तो मैं इसको मार सकता हूँ। ये देखो, मैंने इसको मारा और ये साइड में रख दिया, ठीक है। अब अपोजिट वाले की, सामने वाले की ब्लैक की है, खेलो। तो सामने वाला ने फिर से, तो ऐसे ही फिर से आपने किया, तो फिर से ये मैंने मार दिया। ये देखो, ये ऐसा है, ये फिर से मैंने मार, तो ये देखो ऐसे मार सकता है, ये वाकड़ा ही ऐसे जाके ही मार सकता है। चलो, तो ये देखो ऐसे इसने मारा है सिपाही को, तो फिर मैंने भी इसको मार दिया। देखो, यहाँ का भी अपन को मार सकता है। हाँ, और ये याद रखना कि वो सिपाही एक बार आगे चला गया तो पीछे से नहीं, और पीछे कोई रहेगा तभी भी नहीं मार सकता, ठीक है। चलो चलो, तो अब मेरी डैम। ये देखो, अब मैं घोड़ा चला रहा हूँ, इसे घोड़ा कहते हैं। ये देखो, चलो, तो घोड़ा, मैंने घोड़ा एल शेप से जाता है। ये देखो, यहाँ पे अगर घोड़ा है एल, ये देखो एल एल, ये देखो ऐसे, समझे, एल एल शेप से जाता है। देखो, अब मैंने यहाँ से यहाँ ही चला सकता हूँ एल। ओके, समझ में आ गया। ये देखो, यहाँ से भी जा सकता है, एल कहाँ से भी, लेकिन वो एल होना चाहिए, ठीक है। चलो, एल हो गया। अब ऑपोजिट वाली की डैम, खेलो। हमने इधर से इधर चला, देखो उसने अब मेरे घोड़े को चेक दिए, जैसे दिया है। मेरा घोड़ा मर भी सकता है, घोड़ा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे इम्पोर्टेंट राजा होता है। ये देखो, सबसे इम्पोर्टेंट राजा, और राजा के बाद इम्पोर्टेंट होती है रानी। अगर समझो राजा मर गया, समझो अगर राजा मर गया तो तुम्हारा गेम ही खत्म हो जाता है। इसलिए राजा जब चलाते है तो राजा को चेक बोला जाता है। ये देखो, ये रानी है, समझे, रानी उससे राजा के पीछे इम्पोर्टेंट होती है, रानी सबकी चाल जानती है। आज के वीडियो में हमने इतना ही जाना, तो उसके बाद के वीडियो में हम कुछ और अच्छे से जानेंगे।
सो आज के वीडियो में हमने इतना ही जाना। आपको वीडियो कैसे लगा ये मुझे बता दो। मेरे यशवंत प्लेइंग और यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। तो कैसे लगा वो बता देना। तो आज का गेम ख़त्म।